हे गाइस, मेरा नाम है टीटू और आप लोग देख रहे हो आप लोग का यूट्यूब चैनल ऑटो सेंटर बाइक पॉइंट। तो गाइस, आज मैं दिखाएंगे जो क्लासिक बुलेट है पीछे का रियर व्हील बेयरिंग कैसे चेंज करते हैं, उसके बारे में आज मैं दिखाएंगे। और गाइस, आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह हम लोग को मोटिवेट मिलता रहे आप लोग सब्सक्राइब करोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पीछे चक्का कैसे खोलते हैं और बियरिंग कैसे फिट करते हैं उसके बारे में आज मैं डिटेल दिखाएंगे। तो वीडियो को लेट नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस, पीछे चक्का खोलने के लिए हम लोग 24 नंबर चाबी से देख सकते हैं आप लोग, 24 नंबर चाबी से मेन एक्सेल का नट खोलने हम लोग, आप लोग देख सकते होंगे। इसको खोल देंगे तो एक्सेल को निकाल देंगे तो जो पीछे चक्का है वो निकल जाएगा पूरा। तो गाइस, देख सकते हैं एक्सेल को निकाल लिया मैंने, जो पूंछ है उसको भी निकाल दिया, पूंछ और डिस्टेंस जो होता है। अभी गाड़ी को थोड़ा सा हल्का टेढ़ा कर देंगे तो चक्का निकल गया, देख सकते हैं आप लोग। अभी चलिए इसका बियरिंग चेंज करते हैं, बियरिंग निकाल के आप दिखाते हैं आप लोग को। एक साइड का निकाल दिया ऑलरेडी और एक साइड का निकाल रहा हूँ अभी। बियरिंग लगा रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग, फेक कंपनी का बियरिंग है, 6203 बियरिंग है। पीछे चक्का में 6203 बियरिंग लगता है। अभी जो चक्का का अंदर डिस्टेंस होता है उसको भी लगा दिया अभी, अभी ग्रीस लगा रहे हैं हम लोग। अभी दूसरा वाला बियरिंग फिट करेंगे हम लोग, देख सकते हैं आप लोग। देखा जाए गाइस, फाइनली बियरिंग फिट कर दिया मैंने, आप लोग देख सकते हैं। ये चक्का को बिठाएंगे, ग्रुप धोरे रख भी दे देवनाथ बाबू, जो ब्रेक ड्राम है रो, तू चक्काटा धर रख, घूरते दिबि ना। हाँ ठीक है, हाँ अखन बोआ, हाँ हाँ ठीक है, गियर एक लगा तो गियर धरे रखे पार्ब ना। गाइस देख सकते हैं आप लोग, ग्रुप में बैठ गया अभी, अभी डिस्टेंस को लगा रहे, पूंछ को लगा दिया, अभी डिस्टेंस को बैठा रहे अभी। अभी एक्सेल डालेंगे हम लोग, एक्सेल डालने रुको, एक्सेल है उसको अभी चक्का का अंदर डालेंगे। गाइस, गाड़ी का चेन भी थोड़ा लूज है तो चेन को भी थोड़ा टाइट कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे चेन, देख सकते हैं आप लोग कितना लूज है चेन।
तो गाइस चेन टाइट करेंगे तो दोनों साइड में दागी हम लोग मिला लेंगे बराबर। इधर में अगर 16 होगा तो उधर में भी 16 करना पड़ेगा। दोनों साइड बराबर करेंगे तो चक्का का अलाइनमेंट जो है तो बराबर रहेगा, सीधा रहेगा। अभी ऐसा अभी का लेफ्ट साइड में 16 दिया है, 16 है, उधर में भी हम लोग अभी 16 में रखेंगे। देख सकते अभी 16 है, 16 में रखा है। और गाइस चेन को भी हम लोग ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, नहीं तो चेन से भी आवाज़ आने लगेगा। अभी हम लोग चेन का अलाइनमेंट मिला चुका है। अभी मेन जो चक्का का नाट है उसको अभी टाइट देंगे, 24 नंबर चाबी से। देख सकते हैं आप लोग 24 नंबर चाबी से इसको टाइट दे रहे हैं। चक्का निकालने के लिए 24 नंबर चाबी से ही, 24 नंबर चाबी से जो नाट आप लोग अभी टाइट कर रहे हैं उसको लूज करने से चक्का निकल जाएगा। तो गाइस वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं।